बिश्नोई की धमकियों के बीच सलमान के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे बाबा। सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। क्या 5 करोड़ देकर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के साथ समझौता कर लेंगे? सलमान खान के पिता सलीम खान ने बताई सलमान खान की पूरी प्लानिंग। माफी मांग लो, किससे माफी मांग लो? क्यों 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 मांग लो? बल्कि हमने तो कभी बंदों को यूज नहीं किए। सलमान खान माफी मांगेंगे या नहीं, पैसे देंगे या नहीं, इन तमाम बातों पर सलमान खान के पिता सलीम खान ने अब चुप्पी तोड़ दी है और काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आखिरकार सलमान खान ने दुबई से वो कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ी इंपोर्ट करवा ली है जिसमें बैठकर सलमान खान खुद को लॉरेंस बिश्नोई से बचाना चाहते हैं? और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड यानी सोमी अली ने भला लॉरेंस बिश्नोई का नंबर क्यों मांगा है? भला क्या है सलमान खान की 30 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड का इरादा? क्या शाहरुख खान भी डर गए हैं लॉरेंस बिश्नोई से? भला शाहरुख खान बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? दोस्तों, हम इन तमाम सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ आप खड़े हैं या फिर सलमान खान के साथ? इन दोनों की लड़ाई में आप किसके साथ हैं? अगर आप सलमान खान के साथ हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें, और अगर आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर से बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद में लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान दोनों की लड़ाई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि इतने साल पुराने एक कांड की वजह से आज भी सलमान खान को डर के साए में जीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी भी दे दी गई है, और तो और उनके घर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी काफी ज्यादा मात्रा में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बाद में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के एक मेंबर ने सलमान खान को काफी खौफनाक धमकी दे डाली है, और इन धमकियों की वजह से सलमान खान को दुबई से 2 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी तक भी इंपोर्ट करानी पड़ी है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के बाद में अब अभी अभी सलमान खान को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है, और धमकी देने वाले ने खुद ऐसा बताया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का मेंबर है। दोस्तों बता दें कि ये धमकी सीधा सलमान खान या फिर उनके किसी मैनेजर तक नहीं आई, बल्कि इस बार ये धमकी काफी अलग तरीके से दी गई है, क्योंकि ये धमकी मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है, और उस धमकी वाले मैसेज में ऐसा लिखा हुआ है कि इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, सलमान खान को अगर जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस बिश्नोई से जो दुश्मनी है वो खत्म करनी है तो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई को 5 करोड़ रुपए देने होंगे, और अगर सलमान खान ने ऐसा नहीं किया तो ऐसे में सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। दोस्तों, मैसेज देखने के बाद में मुंबई पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच सबके सब हक्के बक्के रह गए, और इसीलिए इस धमकी को भी काफी ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। धमकी भेजने वाले को ट्रैक करने की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए दोस्तों, ये धमकी आने के बाद में सलमान खान का पूरा परिवार ही काफी ज्यादा चिंता में आ गया है। इसीलिए अब सलमान खान ने दुबई से 2 करोड़ रुपए की निसान पेट्रोल SUV इंपोर्ट करवा ली है, जिसमें अगर सलमान खान बैठ गए तो गोली उनके शरीर को छू भी नहीं पाएगी। और तो और दोस्तों, हाल ही में सलमान खान के पिता यानी कि सलीम खान का एक बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आया हुआ है, क्योंकि हाल ही में सलीम खान ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सलमान खान को जो ये धमकियां मिल रही हैं वो जबरदस्ती वसूली के अलावा और कुछ भी नहीं है। सलमान भला किसी से माफी क्यों मांगे? आपने कितने लोगों से माफी मांगी है आप बताइए? भला कितने जानवरों को आपने बचाया है आप ये बताइए? माफी भी उनसे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसके पैसे खा गए हो, लेकिन ये तो जबरदस्ती की वसूली की जा रही है। सलीम खान ने ऐसा कहा कि सलमान खान तो जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, सलमान खान ने कोई भी गुनाह नहीं किया है। क्या आपने देखा है? क्या आपको मालूम है? क्या आपने जांच पड़ताल की है? हमने तो कभी बंदूक का इस्तेमाल भी नहीं किया है, सलमान ने मुझे कहा है, मैं तो उस टाइम पर वहाँ मौजूद भी नहीं था। सलमान खान को जानवरों को मारने का शौक बिल्कुल भी नहीं है,
बल्कि वो तो जानवरों से मोहब्बत करता है। इसके बाद सलीम खान ने ये भी कहा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रही है, हमें उनकी बात माननी पड़ रही है। लगातार जो हमें धमकियां मिल रही हैं, उनके चलते भले ही हमारी आज़ादी थोड़ी सी कम हो गई हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के साथ कनेक्शन होने की वजह से मारा गया, ये तो बचकानी बात है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मारने का कारण तो कुछ और ही था। उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर दूसरों के साथ जो विवाद चल रहे थे, उसकी वजह से ये सब हुआ। यहाँ सलीम खान ऐसा कहना चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी के साथ जो कुछ भी हुआ, सलमान खान के साथ इसका कोई मैटर नहीं था। बाबा सिद्दीकी का केस एक प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुआ था, ऐसा कहना है सलमान खान के पिता यानी कि सलीम खान का। और दोस्तों, सलीम खान का ये बयान सामने आने के बाद में ये बात तो पूरे तरीके से शीशे की तरह साफ हो गई है कि सलमान खान बिल्कुल भी बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। सलीम खान का ऐसा कहना है कि अगर माफ़ी मांगी तो ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया है, लेकिन जब उन्होंने काले हिरन का शिकार किया ही नहीं है तो भला वो माफ़ी किस चीज़ की मांगे। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सलमान खान काम धंधा छोड़कर अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। सलमान खान पहले जिस तरीके से काम किया करते थे, वही जो उनकी दिनचर्या थी, उनकी अभी भी वही दिनचर्या है और वो अभी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले उनकी सिक्योरिटी उतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आज के समय में है। अब उनकी सिक्योरिटी को कई गुना बढ़ा दिया गया है और इतनी धमकियां मिलने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई की दहशत के आगे सलमान खान नहीं झुके और बिग बॉस में पहुंच गए और वहां पर शूटिंग कर रहे हैं। और बिग बॉस आने के बाद में उन्होंने कहा कि कमिटमेंट है, इसीलिए मैं यहां आया हूं, ये मेरा काम है। और आपको बता दें कि सलमान खान काफ़ी भारी भरकम सिक्योरिटी लेकर बिग बॉस के सेट पर गए हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक वो 60 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ लेकर बिग बॉस के सेट पर पहुंचे हैं। और 60 सिक्योरिटी ऑफिसर, 60 सिक्योरिटी ऑफिसर, दोस्तों इतना बड़ा नंबर सुनते ही आप भी समझ गए होंगे कि सलमान खान की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, सलमान खान की 30 साल पुरानी गर्लफ्रेंड की तरफ से भी काफी ज्यादा चौंका देने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सलमान खान की 30 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई का नंबर मांगा है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर को शेयर करते हुए ऐसा लिखा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है। नमस्ते लॉरेंस बिश्नोई भाई, सुना भी और देखा भी कि आप जेल से ही वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, प्लीज मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया में मेरी पसंदीदा जगह राजस्थान है, मैं पूजा के लिए आपके मंदिर में आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो कॉल पर बात हो जाए और फिर कुछ बातें होंगी पूजा होने के बाद, और यकीन मानिए कि ये आपके फायदे की बातें हैं। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, थैंक्स, ऐसा कहा सोमी अली ने। आपको बता दें कि सोमी अली एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो 90s के समय में सलमान खान की गर्लफ्रेंड तक रह चुकी है और इन्होंने एक साथ बॉलीवुड में फिल्मों में काम भी किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि सोमी अली के इस मैसेज को ना सलमान खान सीरियस लेने वाले हैं और ना ही लॉरेंस बिश्नोई सीरियसली लेने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अभी के समय में सोमी अली घर पे खाली बैठी हैं, उन्हें किसी भी फिल्म में कोई काम मिल नहीं रहा है। ऐसे में आए दिन सलमान खान के बारे में उल्टी सीधी पोस्ट डालकर खबरों में आने की कोशिश करती रहती हैं, और इस बार भी उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए ही किया है, इसीलिए ना लॉरेंस बिश्नोई और ना ही सलमान खान इस पोस्ट को सीरियसली लेने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी ना सिर्फ संजय दत्त के करीबी हैं, बल्कि वो संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के भी काफी ज्यादा करीबी थे। बाबा सिद्दीकी संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त को अपना गुरु मानते थे। बाबा सिद्दीकी का दत्त परिवार के साथ काफी ज्यादा अच्छा कनेक्शन था, इसीलिए बाबा सिद्दीकी की मौत पे संजय दत्त काफी ज्यादा गुस्सा है। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ना सिर्फ अपना दुख व्यक्त किया
बल्कि उनकी हत्या करने वालों को सख्त सजा देने की मांग भी रखी है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद में कई सारे बॉलीवुड सितारे उनके जनाजे में दिखे और कई सारे बॉलीवुड सितारों को रोता हुआ भी देखा गया। और जैसे ही लोगों ने उन सितारों को रोता हुआ देखा तो ऐसे में कई सारे लोग उन सितारों पर बुरे तरीके से भड़कने लगे, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे ही बात बाबा सिद्दीकी या सलमान खान पर आई तो कई सारे बॉलीवुड सितारे आगे आए और उनके लिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं जब बात सुशांत सिंह जैसे किसी स्ट्रगलिंग एक्टर की होती है तो सारे बॉलीवुड सितारे ना जाने किस कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद में शाहरुख खान भी काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि जब से मामला सामने आया है तो शाहरुख खान कहीं गुम से हो गए हैं। और तो और, जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी तो ना तो वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और ना ही वो बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में दिखाई दिए, जिसकी वजह से लोगों का ये सवाल है कि जिस बाबा सिद्दीकी के वो इतने बड़े जिगरी दोस्त थे, जिनकी इफ्तार पार्टी में उन्हें अक्सर देखा जाता था, जिन बाबा सिद्दीकी ने उनके और सलमान खान के बीच की दूरियां मिटाकर उन्हें फिर से दोस्त बनाया, भला उसी बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में शाहरुख खान दिखाई क्यों नहीं दिए। कई लोगों का ऐसा कहना है कि शाहरुख खान इसीलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो लॉरेंस से डर गए, इसीलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी से दूरी बना ली है और वो उनकी अंतिम यात्रा में नहीं गए। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि शाहरुख खान काफी स्मार्ट हैं, इसीलिए वो बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। लोगों का ऐसा कहना है कि शाहरुख खान को उड़ता हुआ तीर लेने की आदत नहीं है। ये मामला काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। बाबा सिद्दीकी का केस काफी पेचीदा है, काफी गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं और इस मामले में जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, इसीलिए शाहरुख खान इस मामले में अपनी टांग फंसाना नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा को अवॉइड करना ही सही समझा। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या शाहरुख खान डरे हुए हैं या फिर वो अपनी स्मार्टनेस का नमूना दिखा रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा? क्योंकि एक तरफ तो सलमान खान माफी मांगने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं और वहीं लॉरेंस बिश्नोई का कहना ये है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। लेकिन सलमान खान बिल्कुल भी माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों की दुश्मनी का अंजाम आखिर क्या होगा? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई ठीक कर रहा है या नहीं? आपकी क्या राय है हमें जरूर से बताइए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।